सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। चलो बाय बाय भैया, 2 किलो आलू देना। अरे बोला ना मत परेशान करो, दिखता नहीं काम कर रहा हूं। तुम आदमी हो ना? हूं, तभी हमारा एक बच्चा है। देखो अब मेरा मन नहीं करता, बिजी रहता हूं, काम होता है। तो मेरा मूड नहीं करता, समझना मुश्किल है क्या? तुम बार बार ऐसे मेरे नजदीक आती हो, मुझे चिढ़ होती है, कुछ करने का मन नहीं करता। भाभी जी, आज बहुत ताजी सब्जियां हैं, लीजिए ना। पहले आलू दे दीजिए, बाद में बाकी की सब्जियां दे देना। अरे रे रे रे, अबे पागल है क्या? सुबह सुबह भिगो दिया इसने। भाभी जी हाँ आलू। हाँ ये लीजिए। एक्सक्यूज मी, वैसे आप यहाँ सामने वाले घर में क्या देने आए थे? जी उधर मैं बिरयानी देने आया था। अच्छा, वैसे मुझे भी बिरयानी बहुत पसंद है, स्पेशली चिकन बिरयानी। क्या बात है, फिर तो आपको हमारे यहाँ की बिरयानी जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो इसका मतलब भरोसा किया जा सकता है ना आप पर? जी कमाल की बात करती है, बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है। ऐसा जायका चखाएंगे ना आपको, पूरी जिंदगी याद रखेंगे। तो डिलीवरी के लिए आप ही आएंगे ना? जी एक्चुअली क्या है, ये बिरयानी पॉइंट जो है ना मेरा है, और जो डिलीवरी है वो मेरे लड़के करते हैं। लेकिन हाँ, कस्टमर से रिलेशनशिप बनाने के लिए मैं आपके डिलीवरी कर सकता हूँ। अगर डिलीवरी के लिए आप नहीं आए ना, तो एक बहुत अच्छा कस्टमर जरूर खो देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, मैं अपना कस्टमर नहीं खोऊंगा और मैं ही आपके यहाँ बिरयानी लेकर आऊंगा। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम नदीम है, और आपका? चांदनी। चांदनी बहुत अच्छा नाम है, सो मैं आपको चांदनी भाभी बुला सकता हूँ? ठीक है, चलता हूँ मैं। ओके Thank you.
ऐसा जायका चखाएंगे ना आपको, पूरी जिंदगी याद रखेंगे। सानिया, आज रात को खाना मत बनाना, कुछ बाहर से मंगवा लेंगे। कोई जरूरत नहीं, जैसे रोज बनाती हूँ ना वैसी बना दूंगी। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा क्यों हो रही हूँ? जैसे आप तो कुछ समझते ही नहीं है, है ना? बेटा तुम जाकर बैग लेकर आओ। देखो चांदनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। हमारा एक बच्चा है और क्या चाहिए, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, और हमारे भविष्य का क्या? हाँ मोहन, मेरे भी कुछ अरमान है, कुछ एहसास है, तुम समझते क्यों नहीं हो? हद है तुम्हारी, तुम्हें उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता ना, ना हमारा प्यार ना हमारा बच्चा, सिर्फ वही दिखता है ना तुम्हें। इतना काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, किसके लिए? तुम्हारे लिए ना। मेरे बारे में सोचा कभी? थक जाता हूँ, खाने की होश नहीं रहती, लेकिन नहीं, तुम तो खुद गर्ज बनी बैठी हो। समझ तुम नहीं रहे हो मोहन। निकलते हैं। बोलिए। नदीम बोल रहे हो ना? जी बोल रहा हूँ, कौन? लगता है आपने पहचाना नहीं मुझे, चांदनी बात कर रही हूँ। अरे हाँ चांदनी भाभी, भला आपकी आवाज कैसे बोल सकता हूँ। जी बताइए ना, कैसे याद किया? बस बिरयानी के लिए। ओह ओके, कौन सी बिरयानी पसंद करेंगे आप? जो आपके यहाँ सबसे अच्छी हो। भाभी हमारे यहाँ तो एक ही बिरयानी फेमस है और वो है नदीम स्पेशल। लेकर आता हूँ। चांदनी भाभी आपकी बिरयानी। थैंक यू। अब अंदर आओ ना। मैं पैसे लेकर आती हूँ। भाभी पानी मिलेगा? जरूर। पैसे। थैंक यू। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अब आपको तो पता है ना भाभी, मैं एक नंबर बिरयानी बनाता। टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि जायका भी उतना मजेदार है या नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल कीजिए ना, जायके की गारंटी है हमारी। वाह, जायका तो सच में बहुत अच्छा है। आप बनाते कैसे हैं ये बिरयानी? चांदनी भाभी ये तो सीक्रेट है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ बस इतना बता सकता हूँ कि प्याज को बारीक बारीक काटिए, हल्के तेल में उसे भूनिए,
और उसके बाद अपने प्यारे हाथों से उस पे मसाला लगाई। बस इससे ज्यादा नहीं बता सकता, सॉरी। तो मुझे नहीं सिखाओगे ये बिरयानी? जरूर सिखाएंगे चांदनी भाभी, लेकिन आज नहीं, कुछ काम है, फिर कभी। चलता हूं। चीकू बेटा, कल से ना आप घर जल्दी नहीं आओगे, क्योंकि मैंने आपकी ना एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दी हैं। स्कूल के बाद आपको कराटे क्लास जाना है, फिर स्केट करने जाना है, और फिर म्यूजिक क्लास भी जाना है, तो कल से आप घर जल्दी नहीं आओगे, ठीक है? मम्मी, इतनी सारी क्लासेस, मुझे नहीं जाना। क्यों, क्यों नहीं जाना? जाना पड़ेगा। अब चीकू देखो, पढ़ाई में ना हर चीज में टॉप में रहना है ना, और तुम्हें फिट भी तो रहना है ना, तो चुपचाप है ना, अभी नाश्ता खत्म करो और कल से एक्स्ट्रा क्लासेस है ना, उसकी तैयारी करो। बाय बाय। ठीक है, हेलो, बिरयानी पॉइंट जी, बोलिए ना चांदनी भाभी। हाँ, वही कल वाली बिरयानी चाहिए थी, अभी लेकर आता। वो मैं नहा रही थी, क्या हुआ? ये कॉकरोच है मेरे पीछे, ये कॉकरोच है पीछे। कहाँ है कॉकरोच? हाँ, दिखा। यहाँ। यहाँ? राइट में। यहाँ? नहीं, लेफ्ट में। यहाँ? डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कॉकरेज तो क्या, कोई और तुम्हारे पास भी आएगा ना तो उसे जान से मार दूंगा। अच्छा? यस। इसे भी अभी आना था, रेस्टोरेंट से फोन। हेलो, क्या हुआ? ठीक है ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। ओके भाभी, मुझे रेस्टोरेंट पे जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम है, चलता हूँ। थोड़ी देर बाद चले जाना ना। समझने की कोशिश करो, काम है, बाद में मिलते हैं।
पता चांदनी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी एक बहुत अच्छी डील फाइनल हुई है। पापा मम्मी पता है मैं ऐसे कंपटीशन में पार्ट लिया हूँ और टॉपिक है माँ, मैं मम्मी के बारे में लिखूंगा। हाँ अच्छा है, गुड। अरे वाह बेटा, वेरी गुड, स्मार्ट हो गया, मेरे पे जो गया। अरे क्या हुआ? मुझे नींद आ रही है, थक गई हूं मैं। हाँ चांदनी भाभी, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं चीज ही कुछ ऐसी हूँ, लेकिन जादू तो मुझ पर तुम्हारा चल गया है नदीम। आज तो तुमने मुझे धोखा दे दिया, बिना बिरयानी खिलाए ही चले गए। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। वो क्या है ना, इस बार बिरयानी में तड़का कम लगा था, और आप तो जानती हैं तड़का सिर्फ मैं ही लगाता हूँ। अगली बार मैं बिरयानी कम्प्लीट करके आऊंगा और आपको खिलाऊंगा। अच्छा। वो तो बिरयानी खाने के बाद ही पता चलेगा कि तड़का कैसा लगा है। उसी का इंतजार है मुझे नदीम। बहुत तड़पा रहे हो। वो क्या है ना, सब्र का फल होता है नदीम की बिरयानी। बाय, रखता हूँ। अपनी जिस्मानी जरूरतें होती हैं, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। एक पति पत्नी के अटूट रिश्ते में उनके यौन संबंध एक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन चांदनी की यह जरूरत पूरी नहीं हो पा रही थी। मोहन अपने काम में इस कदर व्यस्त रहता था कि वो चांदनी को वो सुख नहीं दे पा रहा था जो एक पति होने के नाते उसका फर्ज है, और इसलिए चांदनी का झुकाव या आकर्षण नदीम की तरफ हो गया, जो कि किसी के साथ भी हो सकता है। चांदनी के बार बार कोशिश करने के बावजूद भी मोहन उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाया। क्या नदीम की तरफ चांदनी का आकर्षण बना रहेगा? क्या मोहन चांदनी की भावनाओं को समझते हुए अपना पति धर्म निभाएगा? चांदनी इधर आना जरा। हाँ क्या हुआ? देखना चीकू को बुखार है, बदन गरम है इसका। हाँ है तो कोई बात नहीं, शाम में डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, अभी स्कूल जाने दो। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो, स्कूल जाकर बुखार और तेज हो गया, फिर घर में पड़ा रहेगा ना तो और बीमार हो जाएगा, तो स्कूल जाने दो मैं कह रही हूँ ना। देखो ये आज घर पर ही रहेगा, तुम डॉक्टर को फोन करके अपॉइंटमेंट ले लो और दवाई पूछ लो। अब क्या करूं, नदीम को कैसे बुलाऊं? मम्मी, मम्मी। मेडिसिन ली थी ना, अब सो जा चुपचाप।
बाहर जाओ सब। सिखाओगे? क्यों नहीं सिखाऊंगा, चलो। ऐसे नहीं बाबा, ऐसे। चांदनी कहाँ चलेगी? लगता है चीकू को डॉक्टर दिखाने लेके गई होगी। अरे चीकू बेटा, क्या हुआ? मम्मी कहाँ है? नहीं पता पापा, मम्मी कहाँ गई? यार ये नंबर क्यों नहीं लग रहा? तेरे को बुखार अभी भी है? अरे कहाँ गई थी तुम चीकू को अकेला छोड़ के? ओ, मैं दवाई लेने गई थी इसकी। हद है, मुझे बोल देती, मैं ले आता। पता कितना परेशान था वो। कहाँ मैं तुमको फोन करती, परेशान हो जाते ना तुम। इतना तैयार होके दवाई लेने गई थी? हद है, इसको अभी भी बुखार है, डॉक्टर को फोन करो और बुलाओ। आजा बेटा। घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चों को थोड़ा फीवर हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। तुम वहां पे क्या कर रही हो? आओ ना मेरे पास। मैं अभी नहीं आ सकती। तुम आना ना कल बिरयानी लेके। श्योर। मैं सोच रही हूँ कि अगर तुम यहाँ होते तो कैसा होता। वही सोच रहा हूँ, काश कि ऐसा होता चांदनी।
और कितना पागल करोगी जानी? मारी डालोगी तुम तो। ऐसा मत करो वरना मैं अभी आ जाऊंगा तुम्हारे पास। मैं आज छुट्टी ले रहा हूँ। छुट्टी लेकिन क्यों? तुम जाओ ना ऑफिस, दिन क्यों खराब कर रहे हो अपना? देखो आज चीकू की तबीयत खराब है तो आज मैं घर से ही काम करूंगा। क्या करूं? नदीम का फोन होगा। जी आप कौन? जी मैं बिरयानी लेकर आया था। बिरयानी? वो मैंने मंगवाई थी बिरयानी, चीकू को बहुत पसंद है। अच्छा मैं पैसे लेकर आता हूँ। नहीं मैंने ऑनलाइन पे कर दिया है। हेलो। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा पति घर पे? पूछो मत, बस बेटे की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए छुट्टी ले ली उसने। अरे लेकिन बताना तो चाहिए था ना। अरे लेकिन मैं कैसे बताती, फोन है ना उसके बिल्कुल सामने रखा हुआ था। शुक्र है कि शक नहीं हुआ उसे। वही तो मैं कह रहा हूँ, अच्छा हुआ उसे शक नहीं हुआ वरना कितनी प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है। अच्छा किस बात से? इस बात पे, क्योंकि मैं तुम्हें बिरयानी नहीं खिला पाया। बिरयानी तो मैं आज चखे रहूंगी। पागल मत बनो, तुम्हारा हस्बैंड घर पे ओके? हाँ तो क्या हुआ, कौन सा अभी आने के लिए कह रही हूँ? रात को आना, जब वो सो जाए। पागल हो गया क्या? रिस्क है, कहीं उठ गया तो? नहीं उठेगा ना, मैं कह रही हूँ। बिरयानी का ऐसा स्वाद लगाया ना कि जा ही नहीं रहा कमबख्त। आज तो बिरयानी चक्की रहूंगी पूरी तरह। आना है तुम्हें ठीक है, और अगर तुम नहीं आए ना तो मैं पहुंच जाऊंगी तुम्हारे पास। अच्छा अच्छा ठीक है आ जाऊंगा। बाय बाय। हेलो कहाँ हो तुम? मैं दरवाजे पर हूँ, खोलो। चांदनी मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे लगना चाहिए डरपोक, घर मेरा है पति मेरा है। अब देखो ज्यादा मूड मत खराब करो। क्यों, मेरे हाथ की बिरयानी इतनी पसंद आ गई तुम्हें? हाँ और नहीं तो क्या, मुझसे बचना तो बहुत मुश्किल है। शेर को खून जो मुंह लगा दिया तुमने, पागल बना दिया है मुझे। पागल तो तुमने भी मुझे कर दिया है। वक्त मत खराब करो। नदीम की तरफ चांदनी का यह आकर्षण कब रिश्ते में बदल गया उसको खुद पता नहीं चला, तो दूसरी तरफ मोहन चांदनी की भावनाओं को नहीं समझ पा रहा था। चांदनी का पागलपन नदीम की तरफ धीरे धीरे करके जिद में बदलता जा रहा था। नदीम उम्र से चांदनी से छोटा था लेकिन उसकी भी जरूरतें पूरी हो रही थी। जिस्मानी जरूरतें पूरी करते करते चांदनी किस हद तक आगे निकल गई थी इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। उसे तो अपने बच्चे तक की फिक्र नहीं थी। चांदनी का ये बर्ताव एक बहुत बड़े तूफान के आने का अंदेशा दे रही थी। क्या चांदनी का ये पागलपन यही रुकने वाला था या चांदनी और नदीम का ये रिश्ता कोई नया मोड़ लेने वाला था? बाय। चल बेटा। Thank you.
अभी कौन आया? रुको मैं देखकर आती हूँ। चीकू, तू इतनी जल्दी स्कूल से कैसे? एक्स्ट्रा क्लासेस होती है ना? नहीं मम्मी, वो क्लासेस कैंसिल हो गई। अच्छा हुआ, वैसे भी मैं बहुत थक जाता था। मैं पापा को बोलकर क्लासेस कैंसिल करवा दूंगा। क्यों, दोपहर में घर में रहकर क्या करेगा? हाँ, क्लासेस तो जाना पड़ेगा ना। मम्मी मैं खेलूंगा। हाँ ठीक। मम्मी मम्मी, ये अंकल कौन है? वो मामा के रूम का फैन खराब हो गया था ना, तो वो फैन ठीक करने आए हुए। भैया फैन ठीक हो गया? जी चांदनी भाभी, देखिए ना एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो मैं चलता हूँ। जी बेटा, मैं मार्केट से सब्जी लेकर आती हूँ, तुम तब तक चेंज करके रखो। हाँ क्या हुआ चांदनी, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? मोहन को पता चल गया क्या? किसी को कुछ नहीं पता चला है। तो फिर क्या हुआ है? प्रदीप, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। चांदनी, हम लोग साथ में तो हैं। कहाँ है साथ? अच्छी को स्कूल से जल्दी घर आ गया, कल मोहन घर पे था। इसे कहते हैं साथ रहना? मैं जानता हूँ इसे साथ रहना नहीं कहते, लेकिन करे तो करे क्या, बताओ तुम्हारे पास कोई रास्ता है? इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ नदीम। चलो ना कहीं भाग चलते हैं, कहीं कहीं बहुत दूर। नहीं चांदनी, तुम पागल होगी, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा बच्चा है। मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज नदीम कहीं कहीं भाग चलते। अगर तुम्हारा परिवार तुम्हें ढूंढते आ गया तो? कोई नहीं आएगा, तुम बस आज रात मुझे लेने आ जाना, हम फिर भाग जाएंगे। ठीक है। मम्मी मम्मी, वो ऐसे नहीं, पहले दूध फिनिश करो, उसके बाद काम खत्म करना। चलो चलो बेटा, जल्दी से दूध पी लो, मैं आती हूँ। ठीक है, okay.
कहाँ हो तुम? मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम आ जाओ। ठीक है। चांदनी, चांदनी कहाँ चली गई? चीकू, चांदनी। हेलो डॉक्टर, मैं मोहन बोल रहा हूँ, आप जल्दी आइए प्लीज। हेलो पुलिस स्टेशन, क्या हुआ था बच्चे को? आई थिंक बच्चे के बॉडी में पॉइजन था, नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। पॉइजन? ऐसा क्या खाया होगा बच्चे ने? ऐसा तो कुछ नहीं खाया था हमने, बस वही रात को खाना खाया था। याद करो, कुछ अलग हुआ होगा। चलो बेटा जल्दी से दूध पी लो, मैं आती हूँ। ठीक है? हाँ, चीकू ने दूध पिया था, मेरा मूड नहीं था तो मैंने नहीं पिया। वहां बेड के नीचे साइड पे रख दिया था। यही दूध पी रहा सर। आपकी पत्नी चांदनी कहाँ है? वो सुबह से ही गायब है और उसका फोन भी नहीं लग रहा। उनका नंबर दीजिए। ये देखिए सर। मोहन जी, मुझे तो लगता है आपकी पत्नी का ही हाथ है इन सब में। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो ऐसा नहीं कर सकते। इस नंबर को ट्रैकिंग में डालो। ओके। तब तक हम बाहर पूछताछ करते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब। चांदनी के घर किस किस का आना जाना है? ऐसी कोई चीज जो अजीब लगी हो या कुछ भी अजीब लगा हो? हाँ, वो बिरयानी वाले लड़के का काफी आना जाना था। बिरयानी वाला लड़का, ये कौन है? यहाँ आगे एक बिरयानी पॉइंट है, वहाँ का ओनर, उसे काफी बार देखा था आते जाते। ठीक है। नदीम, उसको बुलाओ। पता नहीं साहब, वो आज आए नहीं है। नदीम का नंबर दो। ये मेनू कार्ड पे है सर। इसका भी नंबर नहीं लग रहा है। एक काम करो, इस नंबर को ट्रैकिंग में डालो। ओके सर। जैसे ही कोई खबर मिलती हो मुझे बताना। जी साहब। ठीक है। क्या हुआ? झटका लगा मुझे देखकर। इतनी खटी औरत हो, अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे को मारना चली थी। ये देखो, उसने अपनी मां पर ऐसे लिखा है और तुम अपनी हवस के लिए उसको ही मारने चली थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये औरत अपने बच्चे को मार सकती है। चांदनी, तुम अपने बच्चे को कैसे मार सकती हो? कितनी घटिया हरकत। बोलो, क्यों किया तुमने ऐसे? ये क्या बोलेगी, ये एक अच्छी बीवी कभी बन नहीं सकी। सोचा था
अच्छी माँ बनेगी, लेकिन ये तो अपने स्वार्थ के लिए अपने ही बेटे को मारने चली थी। इसे वो अच्छा होता कि मुझे तलाक दे देती। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं अपनी माँ का शुक्रिया करना चाहता हूँ। आखिरकार चांदनी ने पागलपन की सारी हदें पार कर दी। अपने बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए उसने एक बार भी नहीं सोचा। उसकी जिस्मानी लालसा ने उसे मुजरिम बना दिया। क्या ये जुर्म रोका जा सकता था? अगर सही मायने में कहा जाए तो हाँ, रोका जा सकता था ये जुर्म, अगर मोहन ने चांदनी की भावनाओं के बारे में सोचा होता तो। अगर चांदनी खुश नहीं थी तो वो मोहन को तलाक दे सकती थी या फिर उसे छोड़कर जा भी सकती थी। अपने बच्चे के भविष्य को लेकर मोहन की सोच बिल्कुल सही थी, लेकिन चांदनी के प्रति उसकी जिम्मेदारी धीरे धीरे करके वो भूलता जा रहा था। और चांदनी भी इतनी खुदगर्ज हो गई थी कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। मोहन और चांदनी के बीच में सबसे बड़ा नुकसान हुआ उनके बच्चे का। और कई बार हम इतने लालची हो जाते हैं कि इस नुकसान के बारे में हम नहीं सोचते। अब सुधा चंद्रन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।